हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिख हस्तिया ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज है हमारी एनिवर्सरी। आज है 6 मई और आज मेरी एनिवर्सरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना हैप्पी एनिवर्सरी और खूब सारी ब्लेसिंग देना मुझे। और अभी तक मैं कहीं दर्शन वगैरह करूँ, घर पे पूजा मैंने कर ली है, अभी दर्शन मैंने नहीं किया। अभी मैं जाऊँगी शाम को, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप इतना ज़्यादा भयंकर हुआ है, कहीं भी निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने आज रेड कलर की सिंपल सी घर पे ही घर की साड़ी पहन ली थी पूजा करने के लिए। बाहर जाऊँगी तो चेंज करूँगी अभी कपड़े। और खाना भी मैंने सिंपल ही बनाया है, बिकॉज़ बाहर जाना है, बाहर से ही डिनर वगैरह करेंगे और इतनी गर्मी में कौन खाना बनाए। और चलिए, और ये टीका मेरी मदर इन लॉ ने लगाया है, उन्होंने टीका किया है, तो गिफ्ट्स भी दिए हैं। और गिफ्ट मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, तब तक आप लोग बने रहिएगा और खूब सारी ब्लेसिंग देना। और ये है मेरी बेटी, हाय कर दो। चलिए फ्रेंड, बाय, मिलते हैं आप लोग। हाय फ्रेंड, मैं आप लोग से डायरेक्ट विश्वनाथ मंदिर में मिली हूँ। मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, मैंने सिंपल सी साड़ी वेयर की, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपने महादेव से मिलूँगी, और यहाँ मैं अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची के साथ आई हूँ, और अपने प्रभु, अपने महादेव और अपने पिता से मिलने। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शूज़ जमा हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बेटी का सैंडल निकाल रहे हैं और रख रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे मैं विश्वनाथ जी कॉरिडोर का थोड़ा बहुत वीडियो मैंने शूट किया है, यहाँ पे सिर्फ चर्चा चल रहा था। आप लोग इंजॉय करिएगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। यही था मेरा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपने महादेव से मिलने गई थी। यहाँ पे हम गए थे शॉपिंग करने, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्तियाँ दिख रही थी, जो कि मैंने पसंद किया बट मैंने लिया नहीं। मैंने अपनी बेटी के लिए कपड़े लिए, बहुत सारे टॉप्स और शॉर्ट्स वगैरह गर्मियों में पहनने के लिए। देखिए, ग्रीन वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और एक की ये डार्क पिंक वाली अच्छी लगी थी बट मैंने लिया नहीं। अभी मुझे लेना है, मैं कहीं और से लूँगी, तो इसके कपड़े बहुत हल्के थे इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बिलिंग करा रहे थे, तो मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी शूट कर लेती हूँ। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और ऐसी और कौन सी वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे छोटे बच्चों के एक्सेसरीज़ बहुत ही प्यारे प्यारे थे, हेयर एक्सेसरीज़। यहाँ पे मेरी बेटी को हेयर बैंड और रबड़ बैंड बहुत ही पसंद आया था, जो मैंने उसको दिलाया, मतलब पर बोल रही थी मामा मुझे दिला दो। वैसे उसके पास बहुत सारे हेयर बैंड वगैरह हैं, बट तो बच्चे हैं, देख लेते हैं तो उनको चाहिए होता है, तो फिर मैंने उसको दिलाया और मुझे भी बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ले लिया। और अब उसकी चूटियाँ बना के उसको स्कूल भेजती हूँ उसी रबड़ लगा के। यहाँ पर देखिए, ये जो वहाँ पे लगाते गोवा वाले वीज पे हेयर एक्सेसरीज़, यहाँ भी मिल रहा था, बहुत ही प्यारा लगा। ये जो पैक दिख रहा है रबड़ का छोटे छोटे, वो भी मैंने लिया था, तो बहुत ही अच्छे थे।